आप 20 मिली लीजिए डॉक्टर सोमा गुप्ता के पास में, थोड़ा सा अजय जी आगे दिख रहे हैं, यहाँ पे आ जाइए। अरे शाबाश जी आ गए, यही तो बोलने चले। अभिनेता शाहबाज काम कर रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, कृपया मुकेश ऋषि अभी आइए ना। अभिनेता मुकेश ऋषि जी पधार रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे कवि और कलाकार दीप जलाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं। एक बार पिक्चर ग्रुप पिक्चर धन्यवाद डॉक्टर सोमा घोष मायापुरी जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दिखाई पड़ रहा है, सामने देखिए और मुस्कुराइए माया जी। कैमरा लुक, कैमरा लुक, कैमरा लुक, वन मोर आया पे। हाँ देखिए गीता जी मुस्कुरा रही है, बाकी लोग उतना नहीं मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा मुस्कुरा। सबसे निवेदन है कि हमारा साथ दें सब लोग अपने, जो हमारे अपेक्षा फिल्म के सीईओ हैं अजय जसवाल साहब, उनकी होनहार सुपुत्री का नाम है अपेक्षा, तो आप जो है तालियां बजाएंगे तो अपेक्षा जी मंच पर पधारेंगी और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में आपको कुछ रोचक जानकारी देंगी। अपेक्षा जी आपसे स्वागत है कि कृपया आप यहाँ पर हारे और अपनी बात कहें। International Women's Week. I am extremely glad to be given this opportunity to express my thoughts on this prestigious occasion. First of all, on behalf of Apeksha Films, I would like to express my gratitude to each and every one of you to join us here, to honor the achievements of women in various fields. Gradually, it is now being celebrated in almost all parts of the world. This celebration gives recognition to those women personalities who have excelled in their own fields. Indeed, women have contributed greatly to the welfare of society, family, and to the country subsequently. Phir lauti banni, bhari goth bhare sapne, panchayat ko agha kar, is baar nahi bitai, na faslon ki, na kheton ki, beti hai meri bharpoor kamai. उसने बोई सपनों की फसल, उसने बोई सपनों की फसल जो खलियानों में फैल गई, बिब्बी की बेटी बड़ी हो गई, गांव कस्बा नगर महानगर आसमान में फैल गई, मेरे गांव की चौपाल बोलती है। ये बिब्बी मेरी माँ थी और वो बच्ची मैं ही थी, जिसका जन्म हुआ तो माँ को घर छोड़ना पड़ा। मैं उस छोटे गांव से, हरियाणा के छोटे गांव में पैदा हुई थी, जहाँ लड़कियों का आज भी स्वागत नहीं होता है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ मैं पिता दिवस नहीं मनाती, दरअसल मैं पिता का कोई भी दिवस नहीं मनाती। महिलाओं से बात आगे बढ़ाते शक्ति देता है। कुम्हार के घर से खेतों में जाती थी, कुम्हार के घर से खेतों में जाती थी, चाक पर रखी मिट्टी हाथों में लपेट गोल गोल घुमाती थी। हमेशा एक सवाल, हमेशा एक सवाल, सुराही मटके दिए मिट्टी बनाती है या हाथ। मैं मीडिया के तीनों विधाओं एडवर्टाइजिंग, टेलीविजन और सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई है। रेखा जी ने अपने साहित्यिक पड़ोसियों डॉक्टर धर्मवीर भारती, चित्रा मुद्गल और बाद में उषा भटनागर, इन सबके सानिध्य में बंबईया हिंदी से अलग शब्दों और बिंबों की एक और दुनिया उनकी पहुंच में थी। अंग्रेजी साहित्य की स्नातक होने के बावजूद रेखा जी ने जब विज्ञापन जगत में कदम रखा तो हिंदी में लिखने की ठानी। उन दिनों विज्ञापन जगत में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता था। सारे विज्ञापन अंग्रेजी में सोचे और लिखे जाते थे। भारतीय भाषाओं के लेखकों का पारिश्रमिक भी बहुत कम था। ऐसे में रेखा जी ने एडवर्टाइजिंग के सेमिनार और अन्य मंचों से इस स्थिति को न सिर्फ रेखांकित किया बल्कि इस कार्य पद्धति से होने वाले नुकसान की ओर ध्यान आकर्षित किया। शायद हिंदी की बात अंग्रेजी में कह पाने का असर भी हुआ। दूसरी ओर उनके की तो हिंदुस्तानी जो हैं वो बहुत दिल से इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, उनको एम्पावरमेंट मिली हुई है और ये तो युगों युगांतरों से है। दुर्गा माँ भी जो थी वो एम्पावरमेंट थी, शी वॉज क्रिएटेड बाय ऑल द ग्रेट गॉड्स। और आज की डेट में देखिए हिंदुस्तान में भारत माता की जय बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। आज तक कभी किसी ने बोला भारत पिता की जय?
जब भारत माता की जय है तो इससे बड़ी एम्पावरमेंट क्या है। हम लोग सब माँ के बच्चे हैं, माँओं से हमारा बहुत लगाव है, और जितनी भी महिलाएं हैं उनको जो एम्पावरमेंट आज के युग में, आज के कलयुग के होने के बावजूद भी जो एम्पावरमेंट मिली है, एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट, कीप फ्लरिशिंग, कीप स्माइलिंग, कीप गिविंग द गुड वाइब्स एंड द पॉजिटिविटी टू इंडिया एंड टू द वर्ल्ड। गॉड ब्लेस यू। और इस महिला दिवस पर अगर अरुण बख्शी जी का एक गाना ना हो, महिलाओं को समर्पित गाना ना हो, तो शायद ये अधूरा रहेगा। वाह वाह वाह, तो फिर बताएं, आप ही चूज कीजिए, मेरे तो दिमाग में कोई गाना आ नहीं रहा है। आप जो कहेंगे, जो पपराजी कहेगी मैं गाऊंगा। बोलिए क्या गाऊं? जी जी बोलिए। चलिए चलिए, बहुत सारे गाने, ठीक है। मैं अपनी जो पहला गाना था उसके मैं गाता हूँ। तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, चुकती है दुनिया चुकाने वाला चाहिए, गिरते को बढ़ के उठाने वाला चाहिए, भूले को रास्ता 1 2 3 4, भूले को रास्ता दिखाने वाला चाहिए। दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो समाज के लिए, सारे माशरे के लिए, बल्कि सारी दुनिया के लिए, बल्कि ज़िंदगी के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। वुमेन, आने वाला कल जो है वो हमारी महिलाओं के हाथ में ही है, और मैं अपेक्षा फिल्म्स को बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का फंक्शन रखा, और अजय जसवाल का बहुत मुबारक करता हूँ उनको कि उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के बारे में सबसे पहले सोचा। और आई एम वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ आया हूँ, इतने बड़े बड़े कलाकार यहाँ आए, उनको सुनने का मौका मिलेगा, कविताएँ सुनने का मौका मिलेगा। Looking forward to a great evening. डे मेरे लिए बड़ा स्पेशल है क्योंकि मैंने तो शादी भी वुमेंस डे में की थी, तो हमेशा याद रहना चाहिए कि जो बात हो तो हर चीज़ बहुत बेटर होती है। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बहुत वुमेन एम्पावरमेंट आई थिंक हमारे कंट्री में बहुत अच्छी तरह और परफेक्ट हो चुका है। मे बी गाँव खेड़ों में थोड़ा सा बचा है, वहाँ भी हो जाएगा। हरियाणा तक की लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं। इट्स वंडरफुल, यू हैव टू अंडरस्टैंड, औरत और आदमी दोनों इक्वल है, और हर चीज़ उनका हक बनता है, जितना हमारा हक है उतना उनका हक, एंड इट्स फेयर। जीतू भाई हमें देखने का एक मिनट सर, होल्ड ऑन, वन सेकंड होल्ड ऑन। दूसरी लागे रहा है, कौन है यार? एक फोटो ले लो सर, कल करेंगे। कोई हो रहा है, थोड़ा क्या सर, यहाँ पे देख लीजिए सेंटर में ऋषि जी सर, सामने सामने ऋषि जी। अच्छा ऋषि जी, क्या या किसी संस्था ने जारी किया है क्या उसका? ये जो अभिनंदन पाकिस्तान से जो रिटर्न आए हैं उनके याद में, उन्होंने जो इतना अच्छा काम किया, तो हमने आज इसकी एक पोस्ट टिकट निकाली, इसका विमोचन साहब भाई ने, मुकेश भाई और बिंदु भाई और अपने प्रोड्यूसर जी के मिलकर आज आपके सामने कर रहे हैं और इनको समर्पित कर रहे हैं आज। नहीं तो ये स्टैंप बनेगी, ये स्टैंप हो गई, ये स्टैंप बनेगी, और हमें हमेशा समझना पड़े चाहिए कि सच अ लवली जेस्चर इसे वापस भेजा, बोथ कंट्रीज में पीस और अमन शांति बने रहे, कभी भूले ना। गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, यस माय स्टैंप, ग्रेट, वेल डन, वेल डन सर, थैंक यू। पहली बात तो मुझे बेहद 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 खुशी है इस बात की, और
उनमें से कुछ महिलाओं को मैंने जो अंदर सुना है तो मेरे तो सारे शब्द ही खत्म हो गए। इतना अच्छा से उन्होंने बोला है और इतनी अचीवमेंट्स हैं उनके पास आज, जितनी महिलाएं अंदर बैठी हैं, और ऊपर से ये इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, मुझे लगता है बहुत ही अच्छी बात है और बड़े पैमाने पर हो रहा है। सारी दुनिया के लोगों को इस बात का पता चल गया है कि महिलाओं का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी सोसाइटी में, सो वो सिर्फ घर तक नहीं है, वो समाज तक है, कंट्री तक है। तो मुझे बेहद बेहद खुशी है कि मैं इसका हिस्सा बना और मेरी उन तमाम महिलाओं को बहुत दिल से शुभकामनाएं जिनकी इतनी बड़ी अचीवमेंट के बारे में मैंने अंदर सुना है और थोड़ा सा बाकी है, मैं अभी अंदर जाके सुनूंगा। तो मेरी उनको और जसवाल साहब को जिनका इनिशिएटिव रहा ये, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया इतने बेहतरीन तरीके से, उनको भी बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, थैंक यू जी। इस मौके पर टिकट भी जारी किया जी, उसके बारे में थोड़ी सी। ये टिकट जो है हार्दिक भाई जो है ये भी पब्लिशर है, एक स्टार करके मैगजीन निकालते हैं, जब उन्होंने मुझसे कहा कि इस तरह का है तो मैंने कहा आप यहाँ आइए। मैं चाहता ये था कि सब महिलाओं के हाथ से ये इसका ओपनिंग हो, लेकिन मुझे मालूम है अंदर बहुत बिजी है सब लोग, काफ़ी भरा है, तो शायद उतना मौका ना मिलता, तो यहाँ पे किया है। तो आप देखिए कि मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि हम आम आदमी जिन्हें हम अपने बारे में ज़्यादा सोचते थे, अपने काम के बारे में सोचते थे, लेकिन देश के बारे में हमें सोचने का इतना मौका नहीं मिलता था, हम उससे दूर थे। लेकिन जो माहौल बना है ये कमाल का है कि हर आदमी अपने लेवल पे कुछ ना कुछ कहना चाहता है देश के लिए, कुछ करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है अपने साथियों को। इन्होंने देखिए डाक टिकट बनाई, हार्दिक भाई ने टिकट बना के उसकी मंजूरी ली इन्होंने, तभी लीगली इसको उन्होंने आज इसको ओपनिंग किया है। और मुझे बेहद खुशी है कि शहबाज़ और बिंदु भी यहाँ मौजूद थे तो हम लोगों ने इसे किया है, और जो काम हो रहा है, जो लोग देश के लिए कर रहे हैं, मुझे बेहद खुशी है। तो उनको भी बहुत बहुत उनको अभी को बहुत मुबारकबाद, उसके परिवार को बहुत मुबारकबाद है। तो आज डबल काम हो गया, मुझे बहुत खुशी है कि मैं दोनों का हिस्सा रहा। अपने अधिकारों के लिए लड़े, आज जब सुप्रीम कोर्ट उनको पूरी पूरे अधिकार दे रहा है अपने कि वो आगे आए, मंदिरों में जाएं, नौकरी करें, मी टू मूवमेंट में महिलाएं अपने अधिकारों की बात कर रही हैं, तो मैं चाहूंगी कि महिला दिवस के दिन और महिलाएं जो चुप बैठी हैं वो भी सामने आए और अपने हक के लिए खड़ी हों। के पीछे एक वुमन का हाथ होता है, वो बिल्कुल सही कहा गया है, और मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं भी यही कहूँगा कि फाइनेंस लाइन में भी वुमन का बहुत बड़ा सहयोग रहता है, घर के फाइनेंस से लेके इस देश के फाइनेंस मैनेजमेंट तक और इंडस्ट्रियल फाइनेंस मैनेजमेंट तक महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा हुआ है। और वुमेंस डे पे मैं सभी सक्सेसफुल महिलाओं को और जो वर्किंग और नॉन वर्किंग की दोनों महिलाओं को मैं शुभेच्छा दूंगा और अपेक्षा फिल्म को भी बधाई दूंगा कि एक अत्यंत सराहनीय प्रोग्राम उन्होंने किया हुआ है इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेशन। अपेक्षा फिल्म ने जो कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है और साहित्य क्षेत्र, कला क्षेत्र और संगीत क्षेत्र की अभी बहुत अच्छी तरह से एक्सपेक्ट रखते हैं। अजय जायसवाल को कॉन्ग्रेट्स और अपेक्षा फिल्म एंड इंडस्ट्रीज के लिए। देखिए वुमेंस डे तो हर रोज़ ही वुमेंस डे होता है, एक दिन मनाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि बचपन से माँ के हाथों से पले बढ़े, बहन का प्यार, और अब इतने बड़े हो गए कि शादी भी हो गई या बेटी भी आ गई घर पे, तो आई थिंक हर रोज़ ही एक वुमेंस डे है। और जायसवाल साहब को शुभकामनाएं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम के अंदर बहुत अच्छा कविता पाठ हो रहा है, अलग अलग कवित्रियाँ अपनी कविता का मंचन पाठ कर रही हैं, मेरी ओर से शुभकामनाएँ। ये दिवस आई मीन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन, हम चाहते हैं कि हम वुमेंस डे प्रमोट करें। वुमेन इज आई मीन वी होल्ड वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो वी होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन दिस लाइफ, इट इज़ बिकॉज ऑफ वुमेन दैट यू नो वी आर द वंस हु ब्रिंग लाइफ, सो वी नीड टू रिस्पेक्ट एंड यू नो हैव मेंटेन इक्वालिटी विद मेन एंड वुमेन। सो दिस इज ऑल दैट यू नो वी आर लुकिंग हियर टू सेलिब्रेट। बेसिकली पहले एक दिन होता था हम लोग वुमेंस डे सेलिब्रेट करते, अभी पूरा हफ्ता वी सेलिब्रेट वुमेंस डे, तो इट्स ये चीज़ सेलिब्रेट होती है पूरे वर्ल्ड में, तो आई मीन इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप लोग भी आए, सो थैंक यू सो मच।
थैंक यू अपेक्षा फिल्म एंड हम ये फिर इसके लिए हम अवॉर्ड कर रहे थे बस थैंक यू थैंक यू एक बार यहाँ पे सर आपके राइट में सर राइट में आपके एक दिन का नहीं होता है हमेशा महिलाओं का ही दिवस है और बड़ी खुशी है कि इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है और अच्छी अच्छी महिलाओं को जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है हर क्षेत्र से महिलाएं आई और बहुत अच्छा काम कर रही हैं उन सबको बहुत साधुवाद और ये जो अपेक्षा फिल्म वाले हैं और जो आपके ये विश्व हिंदी समिति उन लोगों ने सब मिल के जो ये किया है कार्यक्रम ये बहुत सराहनीय है और मेरा पूरा आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं और विश्व हिंदी अकेडमी द्वारा आयोजित जो आज महिला दिवस मनाया जा रही है उसमें मैं आई हुई मेरे जितनी भी बहन दीदी सभी को तहे दिल से अभिनंदन है और मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एम्बेसडर हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें बनाया है लास्ट ईयर और मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सभी औरतें ये प्रतिमूर्ति है माँ दुर्गा की प्रतिनिधि है हमारे अंदर वो शक्ति है जो माँ की शक्ति है खाली अपनी शक्ति को समझ लें और उसको जगा लें तो दुनिया में कोई कुरीति नहीं होगी कोई बेटा किसी बेटी को किसी लड़की को रेप नहीं करेगा सही ये मैं कहूँगी कि अपनी शक्ति को जगा लें और उस जगा के अपने जन्मे हुए बेटे को ये कहे कि तुम्हारे ज़िंदगी में आने वाली सारी औरत माँ दुर्गा की प्रतिनिधि है तो ये कुरीति हमारे देश से ख़त्म हो जाएगी महिला दिवस के लिए मैं यही कहना चाहूँगी अपनी शक्ति को समझ लें क्योंकि महिला एक पुरुष से भी ज़्यादा शक्तिशाली किस बात पर है कि उसके अंदर स्नेह ममता दया सेवा और सहनशीलता है और जब वो माँ दुर्गा की प्रतिनिधि है तो कोई भी अन्याय को सहन नहीं करेगी तो ये बात सारी दीदी बहन और माँ के लिए है एक संपूर्ण माँ बन के हम देश के सारी कुरीति को बदल दें महिला दिवस में मेरी यही कहना है धन्यवाद तो एक फिल्म कंप्लीट की है हमने हम सब ने मिल के नासिर साहब ने डायरेक्ट किया है शाहबाज भाई और हमने एक्ट किया है हमने प्रोड्यूस किया है खालिद सिद्दीकी भी उसमें हैं अभी आपके सामने शावर अली खान भी आएंगे जिया भी आएंगी वो भी उसके अंदर है मुकेश खन्ना जी उसमें हैं और जूनियर महमूद हैं सोनाली रावत है और ये हमने भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में जाके शूट किया है तो उमूमन देखा गया है कि बच्चियों के साथ जो ज्यादतियाँ घटती हैं शारीरिक शोषण होता है बच्चियों का वो बहुत ज़्यादा उछल के सामने आता है काफ़ी फिल्में भी उस पर बनी हैं पिछले साल ही मॉम बनी मात्र बनी फिर वो पिंक जैसी फिल्में भी बनी लेकिन लड़कों के साथ भी ये नागवार हरकत होती है और लगातार होती है और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है लेकिन इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है और लड़के खुद इसके बारे में बोलते नहीं हैं जो हमारी हिंदुस्तानी आदमियों का जो ईगो है ना इंडियन मेल ईगो वो उसको उसकी इजाज़त नहीं देता है कि उसके साथ अगर कोई फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन उसका हुआ है या शारीरिक शोषण हुआ है तो उसके बारे में वो बात नहीं करता है तो ये कहानियाँ बताई नहीं जा रही कहानियाँ बनाई नहीं जा रही तो वी हैव मेड एन अटेम्प्ट शावर अली खान इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट ही इज़ को प्रोड्यूसिंग इट एज वेल एज इज एक्टिंग इन इट जिया इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सो इज़ सोनाली रावत एंड नासिर साहब जैसे मैंने कहा कि ये एडिटर भी हैं इस फिल्म के इन्होंने डायरेक्ट भी किए शहबाज खान इज़ प्लेइंग अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अ वेरी ऑफ अ ड्रंकर्ड लॉयर who gets these boys justice who exposes all these things which is happening in the society to ye courtroom drama mein tabdeel ho jata hai to ye film ab is waqt ready hai iska title humne rakha hai main bhi and aap logon ka aashirwad raha aap logon ki duaen rahi to ye jo ek mahol chal raha hai is waqt ye bachcho ke exams hain fir haal hi mein itna bada hamara election aane wala hai to immediately after the elections we are planning to release it all over india in a big way so any questions you want to ask about this इशू अबाउट कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग अपने कैरेक्टर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे किस तरह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो जैसे कि मैंने बताया कि ये कहानी चार बच्चों की है 13-14 साल के बच्चों की है जिनका मासूम बचपन रुल जाता है बिकॉज ऑफ फिजिकल अब्यूज़ तो जो मेरा कैरेक्टर है इनफैक्ट इवन खालिद का कैरेक्टर है और शाहवर का कैरेक्टर भी है ये हम दिखाएं कि वी आर इन आर मिड 30s नाउ और ये वही बच्चे हैं जो आज अपने मिड 30s में हैं और क्योंकि ये इन्होंने किसी से शेयर नहीं किया किसी को बताया नहीं इस उसमें रह गए कि अगर हम किसी को बोलेंगे तो लोग हमारी हंसी उड़ाएँगे हमारा
मजाक उड़ाएंगे, हम समाज में एक मजाक बन के रह जाएंगे, तो हम इसको भूल जाते हैं। बट हकीकत यह है कि कोई इतने दर्दनाक वाक्य को भूल नहीं सकता है। तो आज ये मिड थर्टीज़ में हैं बट दे आर स्टिल लिविंग विद इट। वो फ्रस्ट्रेशन, वो स्टिग्मा, वो ट्रॉमा उनके साथ पनप रहा है और वो लाइफ से डील नहीं कर पा रहे हैं। तो वो इसी मूवी के माध्यम से हमारा यही मैसेज है, लेट स्पीक अप, साइलेंस इज नॉट गुड इन टुडेज वर्ल्ड। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ गलत हुआ है, चाहे महिलाओं के साथ, चाहे बच्चों के साथ, उसके बारे में आवाज़ उठाओ और ज़ोर से आवाज़ उठाओ, ताकि उस पापी को सज़ा भी मिले और आप जो है आपका जो 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 स्ट्रेस आपके अंदर है, उस स्ट्रेस बाहर आ जाए। के साथ और कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह बच्चों के साथ, लड़कों के साथ कोई नाजायज हरकत होती है तो वो अपनी बहन को बता देती है, अपनी सहेली को बता देती है, यहाँ तक अपनी मातृ को बता देती है। तो यही चीज़ किसी बच्चे के साथ होता है, फीमेल के साथ, लड़के के साथ, तो अपने ख़ास से ख़ास दोस्त को भी नहीं बताते। अगर वो नहीं बताएंगे तो कल्प्रिट कैसे पकड़े जाएंगे, और कल्प्रिट नहीं पकड़े जाएंगे तो ये चीज़ कैसे ख़त्म होगी? तो मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा हर माँ बाप से कि अपने बच्चों को साथ लेकर ये फिल्म को दिखाएं, जिसका नाम है मैं भी। इमरान ने जो भी कहा है, सो इट विल लाइक रिपीटिंग द सेम थिंग, बट द होल आइडिया इज आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुली मेड फिल्म एंड इट्स अ सोशल कॉज आल्सो एट द सेम टाइम व्हिच इज लेस स्पोकन अबाउट, सो प्रोबब्ली होपफुली इट शुड स्टार्ट अ डिबेट। सर, इसी फिल्म में शाबाज साहब इनके मामा का रोल कर रहे हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, तो इनसे भी सुनते हैं। देखिए, अभी हम लोगों का फॉर्चुनेटली लकीली सिनेमा का ऐसा दौर चल रहा है, हर तरह की टॉपिकल फिल्में बन रही हैं, जिसकी वजह से ऐसे ऐसे क्राइम्स जो लोगों को पता भी नहीं चलते थे। टीवी तो खैर अपना काम करता ही है, लेकिन टीवी पर यकीन लोगों का कम होता जा रहा है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं किस तरह से तोड़ मरोड़ के वो लोग पेश करते हैं। तो फिल्मों के माध्यम से भी जो अलग अलग किस्म के क्राइम्स होते थे वो सामने आ रहे हैं, बहुत सारी टॉपिकल फिल्में बन चुकी हैं। ये इस टॉपिक पे जो बॉयज़ का जो मोलेस्टेशन होता है, उसके ऊपर मेरे ख़्याल से ये पहली फिल्म है बनी है, और हम लोगों ने इमरान साहब ने बहुत रिसर्च की इसके बारे में, और इस बहुत ताज्जुब हुआ ये जान के कि इंडिया में सब हाईएस्ट रेट ऑफ दिस काइंड ऑफ क्राइम है मेल चाइल्ड अब्यूज, ये किसी को इस बारे में कुछ पता ही नहीं। तो हम लोग सब एक कन्विक्शन के साथ इस फिल्म में जुड़े, और बहुत अच्छा इसका प्रेजेंटेशन हुआ, और सब बड़े अच्छे अच्छे किरदार हैं, सब ने अपना बहुत अच्छा काम किया है। मैं इसमें एक ड्रंक लॉयर बना हूँ जो ज़िंदगी से हताश हो चुका है, ज़िंदगी से हार चुका है, और फिर इसको इनकी इनके ऊपर जो क्राइम्स हुए हैं वो चीज़ें वो सुन के इसमें स्ट्रेंथ आती है इस लॉयर में, और ये फिर कोर्ट में जाता है और लड़ता है और मुजरिमों को सज़ा दिलवाता है। इस तरह का एक बड़ा अहम किरदार है, मुकेश खन्ना भी हैं और बाकी सारे एक्टर्स तो यहाँ आप देख रहे हैं। तो वी लुक फॉरवर्ड के ऑडियंसिस को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी फिल्म, तो इलेक्शंस ख़त्म होने के बाद ये फिल्म आप सबके सामने आएगी। और मैं भी एक ड्रंकड फ्रस्ट्रेटेड लॉयर जो गिव अप कर चुका था, एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट कैरेक्टर था। एंड जब नासिर साहब, मैं और हमारे जो राइटर हैं हम सलीम, हम जब इस किरदार पे जब काम कर रहे थे पंचगनी में अपने घर, तो हमारे जहन में अभी खड़े हैं शाबाज भाई, लेकिन फिर भी बोलना पड़ रहा है, सिर्फ ओमपुरी साहब या नसीरुद्दीन शाही थे कि अगर कोई इंडस्ट्री में इस कैरेक्टर को अदा कर सकता है तो वो ये दो कैरेक्टर, ये दो हैं। तो ओम साहब तो सरगवास हो गए थे, नसीर साहब से हमारी कुछ डेट्स मैच नहीं हुई थी। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू ऑल इज, जब ये फिल्म सेंसर में गई, पिछले हफ्ते हमने सेंसर करवाया है इस फिल्म को, यूए सर्टिफिकेट मिला है, तो 5 लोग सेंसर में आते हैं फिल्म को देखने के लिए, जिसमें 4 महिलाएँ थी और 1 पुरुष थे सेंसर के। एंड व्हेन द फिल्म गॉट ओवर, तो एक महिला उसमें थी जो हाईकोर्ट की लॉयर थी, एंड शाहबाज खान इज प्लेइंग अ लॉयर इन दैट मूवी, एंड उसने सबसे पहले बोला कि आप जब यहाँ से जाओगे तो शाहबाज खान को हमारी तरफ से ज़रूर बोलिएगा कि हमें उनका काम बहुत अच्छा लगा, उन्होंने एक लॉयर का जो किरदार इतने अच्छे से निभाया है।
तो वी वर सो हैप्पी, मी नासिर भाई एंड शाहर, वी वर देयर टुगेदर फॉर, कि हमारा जो डिसीजन था कि बाय डिफॉल्ट जो नसीर भाई नहीं कर पाए और जो शाहबाज खान ने किया है, तो उसको सेंसर वालों ने, जिसको कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ अपने सेंसर के हिसाब से फिल्म देखते हैं, बट बाय गॉड्स ग्रेस एंड द वे शाहबाज भाई प्लेड दैट कैरेक्टर, कि सेंसर वालों ने नाम लेके तारीफ की और हमसे कहा कि उन्हें ज़रूर हमारा कॉम्प्लीमेंट पहुँचाई. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू शाहबाज फॉर प्लेइंग दैट कैरेक्टर विद सो मच ऑफ कन्विक्शन.